हेलो अस्सलाम वालेकुम माय लवली यूट्यूब फैमिली. आई नो आई वाज नॉट अपलोडिंग सिंस फॉर एवर. आई बिलीव पता नहीं मंथ हो गया शायद. मेकअप वीडियो फिल्म किए हुए तो मुझे काफ़ी अर्सा हो गया, 2-3 महीने हो गए. और उससे पहले मैंने अपने पाकिस्तान टूर की वीडियो 1 महीने पहले, और ये मैंने अभी रिसेंटली चेक किया मैंने अपने यूट्यूब पे कि व्हेन इट वाज माय लास्ट अपलोड, तो इट वाज लाइक पता नहीं पुरानी कोई सदियों वाली बात थी. मैं बिजी कहाँ थी, आई वॉज बिजी इन सो मैनी थिंग्स, सो मैनी स्टफ. बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, कुछ एक दो ब्रांड के साथ भी बात चल रही है, एक दो ब्रांड के साथ तो नहीं, खैर एक ब्रांड के साथ भी बात चल रही है. और थोड़ी एक्साइटिंग और थोड़ी डिफरेंट सी चीज़ है. आई होप कि आप लोगों को पसंद आए वो, और मेरे करियर के लिए भी अच्छा हो वो आगे भी. खैर एनीवेज उसके बारे में तो मैं एक फुल ऑन वीडियो करूंगी इंशाल्लाह बहुत जल्द आप लोगों के साथ शेयर. अभी हम बात करते हैं आज की वीडियो. अभी तक यूट्यूब इंस्टाग्राम पे आप लोगों ने अभी तक मुझे फॉलो नहीं किया है तो डू चेक मी आउट ओवर देयर एज वेल. मेरा हैंडल यहाँ मैं लगा दूंगी कहीं, क्योंकि मैं यूट्यूब पे अगर फिर अपलोड ना करूं तो मैं इंस्टाग्राम पे तो आपको जरूर मिलूंगी, आपको स्टोरीज अपलोड करते हुए रेगुलर बेसिस पे, अपने लाइफ की डिटेल्स बताते हुए, और साथ साथ बहुत से वहां पे भी मेकअप ट्यूटोरियल्स क्रिएट करते हुए. तो अगर यहां से मैं बहुत ऐसे से गायब हो जाती हूं तो आप यू कैन फाइंड मी ऑन माय इंस्टाग्राम. ओके चलिए अब आगे चलते हैं आज की वीडियो, जो कि बहुत जो है क्या कहूंगी, इतने ज्यादा रिक्वेस्ट तो किसी ने खैर मुझसे नहीं की, लेकिन ये है कि मेरे लिए बहुत एक्साइटेड थी क्योंकि ये न्यू लॉन्च है ब्यूटीफाई बाय आमना. पाकिस्तान का एक बहुत अच्छा ब्रांड है, काफी ज्यादा अच्छी चीजें हैं, सब कुछ ही है मेकअप का इनके पास, सारी चीजें अवेलेबल हैं, बेस फाउंडेशन, कंसीलर, ब्लश, हाइलाइटर, ब्राउंजर, आईलैशेस, मस्कारा, स्किन केयर भी इनका काफी ज्यादा है. मैंने कभी ये सब चीजें यूज तो नहीं की, दिस इज द फर्स्ट टाइम आई ट्राइड आउट दिस ब्रांड ब्यूटीफाई बाय आमना. तो इनका ये न्यू ब्लश एंड हाईलाइट पैलेट लॉन्च हुआ था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसको परचेज किया जाए और इसका रिव्यू दिया जाए, क्योंकि ये न्यू पैलेट है तो मे बी बहुत आप में से बहुत सारे लोग इस चीज के लिए एक्साइटेड होंगे कि हाँ हम इस वाले पैलेट का जो है वो रिव्यू जाने कि हाँ यार कैसा है ब्लश और हाइलाइटर और जो भी ये चीजें हैं इसमें वो कैसी हैं, कितनी पिगमेंटेड हैं, सही है आपके आपके पैसों के लायक हैं या नहीं, कि आप इन पर स्पेंड करें या नहीं है. तो आज ये सब बातें मैं करूंगी. दिस इज नॉट अ फर्स्ट इंप्रेशन, ये मैं काफी अर्से से ट्राई कर रही हूँ ये वाला ब्रांड. सॉरी क्या हो रहा है, बहुत अर्सा हो गया ना इसलिए. खैर एनीवेज नो दिस इज नॉट माय फर्स्ट इंप्रेशन, काफी अर्से से मैं ये वाला ब्लश और हाइलाइटर पैलेट को इस्तेमाल कर रही हूँ इसलिए ताकि मैं इसकी लॉन्ग लास्टिंग देख सकूँ कि कितना लॉन्ग लास्टिंग है ये ड्यूरिंग द डे, कितनी देर तक लास्ट करते हैं आपके स्किन पे, और आपके मेकअप को आपके पोर्स को इम्फोसाइज, टेक्सचर को इम्फोसाइज तो नहीं करता. तो ये सारी चीजें जो है वो मैंने अब टेस्ट कर ली है और मैं फाइनली आज आपको बताने जा रही हूँ कि ये जो ब्यूटीफाई बाय आमना का. अच्छा सबसे पहले ये दो शेड्स में आता है इनका, दो तरह के पैलेट हैं ये. एक ये है आप मेरे देख सकते हैं, दिस इज विक्टोरियन रिचुअल पैलेट बाय ब्यूटीफाई बाय आमना ब्लश एंड हाइलाइटर पैलेट. दिस इज एक आई थिंक. इसका दूसरा जो शेड है वो है कैरिस्मेटिक कोकोरल. मैं आपको यहाँ पे जो है वो लिख दूंगी वो, मैंने अपनी स्टोरीज पे दोनों शेड्स आपको अप्लाई करके दिखाए हैं कि ये कैसे लगते हैं, लेकिन ये है कि एक दफा यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे और इसके अलावा मैं आपको बताऊंगी कि ये थ्रू आउट द डे कैसा रहता है. तो दिस इज बहुत ही अजीब सी चीज थी, लेकिन चले इंजॉय करने काफी दिनों बाद आई हूँ. एनीवेज दिस इज द ब्यूटीफाई बाय आमना ब्लश एंड हाइलाइटर पैलेट. एज यू कैन सी इट कंटेन्स सो मेनी गुड शेड्स. दो ब्लश शेड्स हैं इसके और दो हाइलाइटर शेड्स हैं, ठीक है ना. एक दिस इज द फर्स्ट वन जो थोड़ा सा रस्टी पीच सा कलर है, दिस इज कॉल्ड ब्लड शॉट. हाइलाइटर दिस इज कॉल्ड लस्टर, और ये थोड़ा सा व्हाइटिश अंडरटोन में है, व्हाइटिश सिल्वर अंडरटोन में है ये हाइलाइटर, और बहुत खूबसूरत हाइलाइटर है ये. और दूसरा हाइलाइटर ये यहाँ पे है विच इज कॉल्ड शीन, नाम इसका बहुत प्यारा है शीन, और ये थोड़ा जो है वो शैम्पेन गोल्ड सा कलर है, आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर. एंड दिस इज कॉल्ड इट इज कॉल्ड स्वीटनेस. ये दूसरा ब्लश है, ठीक है ना. अब आपको भी ये लग रहा होगा जैसे मुझे भी लगा था जब मैंने पहली दफा ये ब्लश पैलेट अपने हाथ में लिया था, मेरे पास आया था तो, कि ये वाला शेड काफी बेबी पिंक टाइप है और इस तरह के शेड नॉर्मली आपके स्किन को ना बहुत, हमारे जो ब्राउन स्किन टोन होती है, जो एशियन ब्राउन स्किन टोन है, उसको काफी ज्यादा जो है ना वो कर देता है, डल कर देता है ना, बहुत ही डल सा लगने. लेकिन इस तरह की कोई बात नहीं है इस शेड के साथ. ये दोनों ही शेड बहुत खूबसूरत है, मैंने दोनों शेड्स को काफी दफा अब अपने फेस पे ट्राई कर लिया है, दोनों हाइलाइटर्स को भी एंड दोनों ब्लश शेड्स को भी, एंड दे आर एब्सोल्युटली फिनोमिनल. बहुत अच्छी पिगमेंट है इनकी, बहुत अच्छा कलर है, लॉन्ग लास्टिंग भी बहुत है, वेयर टाइम तो इसका बहुत ही अच्छा है, यानी काफी ज्यादा देर तक ये आपके स्किन पे थ्रू आउट द डे लास्ट करता है. मैंने आई थिंक 12 घंटे के लिए भी इसको एक दिन वेयर करके देखा था, 12 घंटे तो खैर 12 घंटे को ज्यादा हो गया, लेकिन 8 से 10 घंटे मैंने इसको वेयर किया हुआ था उस दिन.
वाइल आई वॉज टेस्टिंग दिस पैलेट आउट, तो काफी ज्यादा एंड वक्त तक जब तक मैं मेकअप छुटाने जा रही थी तब तक हाईलाइटर और ब्लश दोनों ही मेरे चीक्स में मौजूद थे जी। अब इसके बाद आते हैं इसका टेक्सचर कैसा है। बहुत ही अच्छा सेटन क्रीमी फिनिश टेक्सचर है, बिल्कुल भी है तो पाउडर चीज दोनों, लेकिन बिल्कुल भी इनका टेक्सचर जो स्किन पे है ना वो बिल्कुल भी पाउडरी है, बिल्कुल भी यू नो सख्ती नहीं देता, ड्राइनेस नहीं देता, बहुत ही क्रीमी सेटिन फिनिश है दोनों शेड का। मैंने इंस्टा पे भी अपने जो है इन दोनों के जो है वो स्वेचेस दिखाए थे, लेकिन मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे भी दिखाऊंगी। सो दिस इज द फर्स्ट शेड ब्लड शॉट एंड दिस लुक्स लाइक दिस, बहुत ही वेरी 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 ब्यूटिफुल एंड वेरी गुड शेड। इस तरह का कोई शेड मेरे पास अभी तक नहीं था मेरी कलेक्शन में, तो ये काफी अच्छी ज्यादा जो है वो मुझे काफी पसंद आया ये शेड, क्योंकि ये काफी ज्यादा लुक्स के साथ भी चल जाता है, पीची ब्राउनी लुक के साथ काफी अच्छा लगता है ये वाला शेड। और ये के बहुत ही यूनिक सा कलर है, नॉर्मली भी ब्लश में पीच तो कलर होता है लेकिन रस्टी पीच जो है ना रस्सा कलर है, ये बड़ा खूबसूरत सा है, बहुत अच्छा लगा मुझे। इसके बाद ये दूसरे हाईलाइटर की तरफ आते हैं, पहले हाईलाइटर की तरफ आते हैं जो कि ब्लड शॉट के बराबर में है, विच इज कॉल्ड लस्टर। और ये देखें इसकी पिगमेंट तो बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीमली पिगमेंटेड दिस इज, और जैसे देखिएगा एक स्वेच में कितनी अच्छी तरीके से जो है वो इसका, और स्किन पे भी बहुत अच्छा लगता है, बिल्कुल भी बहुत ही क्रीमी फिनिश है इसकी, बिल्कुल भी आपके पोर्स को टेक्सचर को, वैसे तो टेक्सचर इतने नहीं है मेरी स्किन पे अभी, लेकिन पोर्स हैं थोड़े थोड़े इस चीक्स एरिया पे, तो बिल्कुल उनको एम्फसाइज नहीं करता, बहुत ही वेट लुकिंग और नेचुरल लुकिंग ग्लो देता है स्किन पे, नेचुरल तो इन द सेंस नहीं क्योंकि ये शेड काफी ज्यादा, ये जो पहला वाला है दिस इज एक्सट्रीमली यू नो व्हाइट शैम्पेन शेड है, थोड़ा सा सिल्वरी सा है, तो डायरेक्ट स्किन पे थोड़ा सा जो हम लोगों की स्किन टोन है इस पर थोड़ा विजिबल होता है, बट अदर देन दैट दिस इज सो ब्यूटीफुल। अगर आप इसको थोड़ा सा यूज करें, बहुत ज्यादा इसको बिल्ड ना करें, तो बहुत ही खूबसूरत वेट लुकिंग फिनिश आती है, बहुत ही अच्छी शेयर फिनिश आती है इसकी, बहुत अच्छा खूबसूरत लगता है चेहरे पे। अच्छा जी, अब हम आते हैं दूसरे ब्लश की तरफ विच इज दिस, एंड दिस शेड इज कॉल्ड स्वीटनेस। तो स्वीटनेस के भी मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कैसा है स्किन पे। अब आप इसके स्वेच पे मत जाइएगा, क्योंकि जब मैंने भी पहली दफा स्वेच किया था तो एक तो ये बिल्कुल विजिबल नहीं हो रहा है स्किन पे ना, ठीक है ना। दूसरी बात ये कि ये बिल्कुल ही वैसा ना बेबी पिंक सा लगता है, जो थोड़ा सा कूल टोन पिंक कलर्स होते हैं ना उनकी तरह लगता है, तो दिस इज नॉट कूल एट ऑल, थोड़ा सा वार्मिश टोन जब स्किन पे आता है तो काफी ज्यादा वार्म फिनिश आती है इसकी, और बिल्कुल भी इस तरह से नहीं लगता स्वेच, जिस तरह से स्वेच में लग रहा होता है ना बिल्कुल ऐसा नहीं लगता। मैं आप लोगों को एक काम, क्योंकि ब्लड शॉट तो आज मेरे लुक के साथ नहीं जाएगा, तो आई विल अप्लाई दिस शेड, तो आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से अंदाजा हो जाएगा कि बहुत है। और ये जितना ये लाइट पैलेट में लग रहा है इतना है नहीं, अगर आप इसको बिल्ड करना चाहेंगे ना तो ये एक्सट्रीमली डार्क पिंक कलर, डार्क तो नहीं मतलब अच्छा खासा पिगमेंटेड पिंक शेड में कन्वर्ट हो जाता है, और ये पिंक शेड भी बहुत अच्छा पिंक शेड है, यानी नॉर्मल जो पैड में पिंक आते हैं उनसे तो थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन ये है कि काफी ज्यादा पीची पिंक सी जो है ना इसकी अंडरटोन है, और काफी ज्यादा अच्छा लगता है, पिंक और पीच दोनों को मिला के अगर कोई कलर बनाया जाए ना तो वो ये है, तो इस तरह, और बहुत स्किन पे बहुत खूबसूरत लगता है मुझे। पहले जब पहली दफा ये आया था मैंने इसको देखा था और इसको स्वेच किया था, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि ये बिल्कुल अच्छा नहीं होगा, लेकिन इट इज वेरी 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 गुड। अच्छा जी, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट इस हाईलाइटर की तरफ आते हैं, इन दोनों हाईलाइटर में से अगर ये कहा जाए तो यस This highlighter is my favorite among the two of them, because the reason is क्योंकि इसकी undertone जो है वो थोड़ी champagne gold सी है, और मेरी skin tone पे champagne gold color की थोड़ा सा जो white silverish सा shade है, थोड़ा सा लाइट शेड है ना ये वाला लस्टर, ये वाला थोड़ा गोल्डन शैम्पेन शेड है, तो इस तरह के हाइलाइटर्स मेरे स्किन टोन पे काफी अच्छे लगते हैं। दोनों का फॉर्मुलेशन तो बिल्कुल सेम है, बिल्कुल ये भी वेट लुकिंग है, बहुत ही ज्यादा अच्छा, बिल्कुल पोर्स को एम्फसाइज नहीं करता, बहुत अच्छा नेचुरल ग्लो देता है स्किन पे। ये आपके ऊपर है कि अगर आप इसको बहुत ज्यादा बिल्ड करना चाहें तो ये बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली बिल्डेबल भी है साथ साथ। अच्छा, अब इस पैलेट की खास बात बताऊं वो ये है कि ये बहुत अच्छा इस सेंस में भी है कि आप ब्लश भी दोनों मिला के यूज कर सकते हैं, टैप 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 दोनों ब्लश को मिला के एक यूनिक अच्छा सा पिंकी रस्टी शेड बना सकते हैं, वो भी बड़ा अच्छा लगता है। दोनों हाईलाइटर को भी अगर आप यूज करें, जैसे ये थोड़ा सा व्हाइट है ये थोड़ा शैम्पेन गोल्ड सा है, दोनों को मिक्स कर लेते हैं ना तो काफी अच्छा न्यूट्रल कलर आपके स्किन के लिहाज से बहुत अच्छा बन जाता है। अच्छा, इस पैलेट की एक और खास बात बताऊंगी, क्योंकि जब आया था तो इसके कलर शेड्स को देख के मुझे ऐसा लगा था कि आई कैन डू दिस वन ऑन माई आईज एज वेल, कि मैं इससे कोई आई लुक भी क्रिएट कर सकती हूँ, और मैंने एक दफा स्टोरी बनाते हुए किया भी था, आई डोंट नो कि मैंने स्टोरी पर बताना भूल गई थी आई थिंक, लेकिन मैंने ये किया था कि मैंने आईज पर क्रीज इससे बनाई थी, ठीक है ना, और इसको जो है लिड शेड पे अप्लाई किया था। आप भी अगर ऐसा करेंगे बहुत खूबसूरत, एक और बहुत अच्छा लुक हो सकता है कि इसको पूरे ऑल ओवर द क्रीज पे, फिर आउटर कॉर्नर को इनहेंस और डेप्थ देने के लिए आप ये शेड अप्लाई करें, इससे बिल्ड करें, और फिर लिड पे कोई भी एक शेड, आई थिंक दिस विल गो बेटर विद द स्कीम आई एम टेलिंग यू राइट नाउ, तो बहुत अच्छा लुक, आई लुक भी बहुत सिंपल सटल सा,
एवरीडे आई लुक, जाहिर है इसमें कोई ऐसा शेड तो नहीं है जो आई लुक को बहुत ज्यादा ड्रामेटिक जैसे इस तरह से आई लुक है ये तो नहीं कर सकेगा, लेकिन अगर नेचुरल पैलेट आप कोई चाहते हैं कि जो आपके चीक्स और फेस के लिए भी इनफ हो और आईज के लिए भी हो, और आप कोई बिगनर हैं, आप कोई आई शेडो पैलेट पर इन्वेस्ट नहीं करना चाहते कि आप इतना मेकअप नहीं यूज करते, कभी कभी ओकेजनली यूज करते हैं, ब्लश और हाईलाइटर तो नॉर्मली हर लड़कियां जो है वो वैसे भी यूज कर रही होती है, मगर आई लुक खास खास ओकेजन पे ही होता है हमारे यहाँ, तो आप ये कर सकते हैं कि ये पैलेट ले लीजिए, इसको आप खास ओकेजन के एवरीडे और ग्लैमरस लुक के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या और ब्लश और हाईलाइटर तो ये है ही, तो दिस इज द बेस्ट 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 थिंग, मैं ये कहूंगी कि बहुत अच्छी परचेज है ये। इसका दूसरा शेड थोड़ा सा डार्क स्किन टोन के लिए, थोड़ा मीडियम टू डार्क स्किन टोन के हिसाब से ठीक है, बोल लीजिए। मैंने वो परचेज नहीं किया था क्योंकि मुझे लगा था कि वो जाहिर है मैं तो वो यूज नहीं करूंगी तो फिर मुझे कोई फायदा नहीं है, लेकिन ये है कि मैंने इसलिए ये वाला मैं आपको दोनों का कंपेरिजन बता रही हूँ। फॉर्मुलेशन तो ऑब्वियसली दोनों की सेम ही होगी क्योंकि एक ही कलेक्शन की लॉन्च है, तो लेकिन ये है कि कलर मैं बता रही हूँ कि थोड़ा सा डीप अंडरटोन स्किन के लिए जो है वो कलर ज्यादा प्रेफर रहेगा, और अगर आप लाइट टू मीडियम मेरी स्किन टोन के हिसाब से आपके रेंज है कलर रेंज तो आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बातें तो बहुत हो गई, रिव्यू भी एक तरीके से हो गया, अब मैं आपको ये बताती हूँ कि ये स्किन पे कैसे, तो आज हम इस्तेमाल करने जा रहे हैं क्योंकि मेरा थोड़ा सा पिंकी पर्पल टोन है तो ऑब्वियसली रस्ट कलर तो बिल्कुल इसके साथ अच्छा नहीं लगेगा, तो आई विल अप्लाई दिस स्वीटनेस शेड ऑन माय, तो उसके लिए आई विल हैव माय एल्फ ब्लश ब्रश, आपको पता ये ब्लश ब्रश मुझे बहुत पसंद है, तो थोड़ा सा ही ज्यादा अप्लाई करने, एक तो ये पेन साइज इसके बहुत बड़े हैं, लेकिन आप बहुत थोड़ा सा ही प्रोडक्ट लेके, बिल्कुल भी बहुत ज्यादा प्रोडक्ट की जरूरत नहीं है, थोड़े से ही प्रोडक्ट में एज यू कैन सी बहुत अच्छा कलर और बहुत अच्छी पिगमेंट के साथ शो हो जाता है। पीची आप देख सकते हैं थोड़ा सा जो है दिस इज लाइज अंडर द कैटेगरी ऑफ पीची पिंक। अब मैं दूसरे चीक्स पे भी इसको अप्लाई करूंगी, बहुत थोड़ा सा प्रोडक्ट रिक्वायर्ड होता है, बहुत ज्यादा नहीं और बहुत थोड़े से ही में बहुत, क्योंकि ये एक्सट्रीम पैलेट बहुत पिगमेंट है, लाइट शेड भी जो इसका है वो काफी ज्यादा पिगमेंटेड है, तो आपने देखा एक दफा मैंने टैप टैप करके अपनी स्किन पे अप्लाई किया एंड दिस लुक सो गुड स्किन, ठीक है ना। अब बारी आती है हाइलाइटर की, आई विल शो यू द मिक्सचर ऑफ दीज टू हाईलाइट, तो इस मिक्सचर के लिए आई विल कंबाइन दीज टू शेड्स टूगेदर एंड अप्लाई दिस ऑन माई चीक बोन्स। ओके, इसके पैलेट में पीछे जो डिस्क्रिप्शन भी लिखी हुई है कि हाउ टू यूज दैम, तो इसमें ये भी लिखा हुआ है कि आप हाइलाइटर्स को जो है वो वेट भी यूज कर सकते हैं, मैंने अभी तक वेट यूज करके ट्राई, लेकिन आई थिंक दिस इज एक्सट्रीमली यू नो मेटालिक एंड ब्यूटीफुल हाईलाइट ऑन इट्स ओन, कि आपको इसको वेट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप बहुत ज्यादा वेट लुकिंग ग्लो की तरफ जाना चाहते हैं तो आप थोड़ा सा सेमी ड्राइड स्पिट फेस पे भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, इट विल लुक लाइट से ज्यादा इनहेंस और मेटेलिक और वेट लुकिंग लगेगा। सो दिस इज लस्टर एंड शीन बोथ टुगेदर। अब मैं अपने इनर कॉर्नर्स पे तो आई हैव ऑलरेडी हाईलाइटेड विद द पैलेट जो मैंने अपनी आंखों पे यूज किया, अब मैं अपनी नोज पे भी हल्का सा हम हाईलाइट दे देते हैं माय क्यूपिड्स को, और अगर आप लोग यहाँ पे जो लाइट हिट करती है हल्का सा बिल्कुल तो इस एरिया में भी दे दें तो बहुत अच्छा लुक आने लगता है, और आप देख सकते हैं कि दोनों तरफ चीक्स पे मेरे कितने खूबसूरत और हाईलाइटर की वजह से एक लिफ्टिंग इफेक्ट आता है, जाहिर है हाईलाइटर इसी चीज के लिए होता है कि आपके जो ये चीक बोन्स हैं इनको इनहेंस करे। प्राइस के लिहाज से आई कांट टेल यू राइट नाउ, क्योंकि जब मैंने इसको ऑर्डर किया तो उस वक्त उनके पेज पे सेल लगी हुई थी, तो मुझे उस वक्त ये डिस्काउंट प्राइस में मिला, और उस वक्त जब मेरे ब्रांड के पेज से मैंने मालूम किया तो उन्होंने मुझे ये कहा कि ये अभी इसकी, क्योंकि ये अभी लॉन्च हुआ है तो इसकी प्रमोशनल प्राइस है ये, उसके बाद आई थिंक थोड़ी सी बढ़ जाएगी, तो आई डोंट नो अबाउट दैट कि अभी भी ये उस प्राइस में मिल रहा है ऐसे ही, दिस इज 2500 रुपीज मुझे पड़ा शिपिंग के बगैर, शिपिंग जाहिर इंक्लूडेड होगी तो इसके साथ मुझे 2500 का पड़ा पाकिस्तानी रुपीज में ऑब्वियसली। अगर आप इसको जो है वो बाद में लेते हैं, आप मुझे नहीं पता कि आजकल इसकी क्या प्राइस चल रही है, लेकिन अगर आजकल भी सेल चल रही है और ये आपको इसी में मिल रहा है तो 2500 रुपीज के लिए आई थिंक चार चीजें जो कि दो ब्लश शेड और दो हाईलाइट जिनको आप एज आई शेडो भी यूज कर सकते हैं, तो ये काफी अच्छी परचेज हो सकती है। अगर अभी तक आपके पास कोई अच्छा ब्लश और हाईलाइटर पैलेट नहीं है और आप कोई आई शेडो पैलेट भी लेना चाहते हैं तो दिस कुड बी अ ग्रेट ग्रेट ऑप्शन फॉर यू गाइज, ठीक है ना। तो या गाइज दैट्स कंप्लीट रिव्यू ऑन द ब्यूटीफाई बाय आमना न्यू हाईलाइटर एंड ब्लश पैलेट विक्टोरियन रिचुअल हाईलाइटर एंड ब्लश पैलेट, ठीक है ना। तो या रीजन इसका बताने का यही था कि आप लोगों को मैं अच्छे तरीके से गाइड कर सकूं, और आगे भी मेरा जाहिर है मेरा काम है ये टू गाइड यू गाइज के यार कौन सी चीजें
आपके परचेज के लिए अच्छी हैं, कौन सी नहीं है। काफी इंटरेस्टिंग ये मुझे भी लग रहा था, तो दैट्स व्हाई आई परचेज दिस, कि ये काफी ज्यादा अच्छी हो सकता है। मेरे पास हाइलाइटर और ब्लश पहले लिट नहीं था कोई अभी तक, सेपरेटली तो ओन करती हूँ मैं ऑब्वियसली, आपको लोगों को पता है मेरी सारी कलेक्शन के बारे में, मगर इस तरह का पैलेट नहीं था। तो यही सोच के मैंने लिया कि कभी अगर नेचुरल डेज में भी, इफ आई डोंट वांट टू यू नो जल्दबाजी में, अगर आप नहीं चाहते कि आप कोई आई शेडो पैलेट भी ग्रैब करो और ये भी करो, तो आप जल्दी जल्दी फटाफट इसको जो है वो ब्लश और हाइलाइटर के तौर पे भी और आई शेडो शेड के तौर पे भी नेचुरल नॉर्मल डेज के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अपना बहुत ख्याल रखना है आपने। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल होगी। अगर आप इस पैलेट को बाय करने के लिए प्लान कर रहे थे, आपको समझ नहीं आ रहा होगा, तो अब आप काफी क्लियर हो चुके होंगे इस रिव्यू और उसके बाद कि हाँ आपको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, या जरूरत है आपको अभी इस पैलेट की या नहीं। तो अपना बहुत ख्याल रखना है आपने, एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।